प्रणाम। आज हम बात करेंगे दूध की। पुराने समय में जिस व्यक्ति के पास जितनी गाय होती थी वह उतना ही समृद्ध माना जाता था। अमीरी का पैमाना गाय के ऊपर था कि कितने उसके यहाँ दुधारू पशु है। और दूध अपने आप में एक पूर्ण आहार है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स, कैल्शियम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति दूध का ही सेवन करता रहे तो काफ़ी बीमारियों से बच सकता है। पहले लोग दूध का कल्प भी करते थे और बरसों तक निरोग रहते थे। यदि किसी व्यक्ति को खुजली आ रही हो, हम दूध रगड़ें या दूध की मालिश करें तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। बच्चों को आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे सूखिया रोग से ग्रसित होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पाई जाती है। और कैल्शियम और विटामिन डी दूध के अंदर पाया जाता है। यदि बच्चे इसको पूर्ण रूप से लेते रहे तो कम से कम मैं इसे कह सकता हूँ कि उनको इस प्रकार की बीमारी की आशंका नहीं रहेगी। दूध के अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स होने के कारण यह बहुत शक्तिवर्धक भी है। यदि हम दूध के अंदर गाजर को उबालकर सेवन करें या गाजर का हलवा बना करके सेवन करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। रिलेशन बनाने के बाद, सेक्स के बाद बहुत से लोगों को कमजोरी महसूस होने लगती है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए यदि व्यक्ति दूध एक गिलास, बादाम 5 और 1 चम्मच घी, गरम गरम दूध हो, मिलाकर सेवन करें तो वह कमजोरी दूर होती है और शरीर में शक्ति का भंडार दोबारा से होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एसिडिक यानी कि एसिडिटी से परेशान हो तो वह ठंडा दूध, गुनगुना दूध सेवन करें, पित्त में एकदम शमन मिलता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो दूध के अंदर सौंफ या काले वाली बड़ी इलायची पका लें और ठंडा करके गुनगुना सेवन करें तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। इसी प्रकार व्यक्ति कोई बहुत काम में या कहीं आने जाने में बहुत थकान महसूस करता हो, एक ही गिलास दूध गर्म गुनगुना सेवन करे तो उसकी थकान भी दूर होने लगती है। शरीर पर बहुत ज़्यादा मुंह पर छाइयाँ आने लगें तो हम कच्चे दूध की मालिश करें और कच्चे दूध में बेसन या मसूर की दाल मिलाकर हम अपने चेहरे पर उपटन की तरह लगाएं, धीरे धीरे जाइयाँ और निशान दूर होने लगता है। बहुत से लोगों को केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, वह शेविंग क्रीम नहीं लगा पाते। उनकी जगह यदि वह दूध से हाथ से रगड़कर दूध की चेहरे पर मलें और उसके बाद शेविंग करें तो चेहरा अलग ही निखर के आता है। और आपको मैं एक अचूक प्रयोग बता रहा हूँ माइग्रेन का। बहुत से लोग सालों पेन किलर्स खाते हैं, उनको माइग्रेन में आराम नहीं मिलता। यदि कुछ ही समय सुबह उठने से पहले दूध में, गर्म दूध में जलेबी या रबड़ी मिला करके सेवन करें तो उनका माइग्रेन निश्चित रूप से किल होता है और सिर दर्द से वह मुक्ति पाते हैं। जिन आदमियों को, औरतों को शरीर में कैल्शियम की कमी हो जिसके कारण उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया दर्द इत्यादि सताता हो, हड्डियाँ कमजोर पड़ती हों, उनके लिए दूध अमृत तुल्य है। उनको दूध अवश्य सेवन करना चाहिए।